हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम माता रानी के भोग के लिए खीर बनाएंगे। तो मैं ये दूध को यहाँ पे उबलने के लिए छोड़ रखी हूँ। आधा केजी के करीब दूध था, हाफ लीटर। तो इसको मैं अच्छे से 3-4 बार बॉईल करके, और जो भी इधर साइड साइड में जो भी मलाई मिलते आते जा रहा है उसे बीच में लाते जाऊंगी। और चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे चावल है, आधा गिलास के करीब है, आधा छोटा गिलास चाय का गिलास जो होता है उसमें। और ये है 4 इलायची, 4-5 क्लोव्स है। और इधर मैंने 5-6 बादाम रखा है, 5-6 नहीं 10 10 तो होंगे ही। और किशमिश भी है, और इसके अंदर मेरा दालचीनी का पाउडर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भिगो के रख रखा है मैंने चावल, और इस दूध में अभी फिर से एक बॉयल आ गया है। तो सारे मसाले को, सारे मलाई को मैं साइड साइड करते जाती हूँ और बीच में लेके आके कर देती हूँ। और इसमें अभी मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि हमें चावलों को इसमें अच्छे से पकाना है। तो उसकी वजह से मैं इसमें पानी डालूँगी और 1 टेबल स्पून के करीब घी डालूँगी, ताकि इसका जो मलाई है वो और ज़्यादा बने। ठीक है, चलिए आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मैं ये दूध पानी डाल रही हूँ दूध में। ठंडा पानी था। अभी मैं इसमें घी डाल देती हूँ। स्पून के करीब घी मैंने डाल दिया। अब इसको फिर से उबालने के लिए छोड़ देंगे। एक उबाल आ जाए फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे, और उससे पहले हम चावलों को अच्छे से तोड़ लेंगे। जब तक दूध उबलने के लिए तैयार हो रहा है फिर से, तब तक मैं इस चावल को अच्छे से तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, चावल इतने लंबे लंबे हैं, लेकिन अभी मैं इसको छोटा छोटा कर लूंगी एकदम तोड़ तोड़ के। छोटे चावल पकने में आसानी होता है और जल्दी पक जाता है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे कर रही हूँ। और खाने में भी अच्छा टेस्ट आता है इसके लिए। अगर आपके पास बासमती का टुकड़ा है तो अच्छी बात है, या फिर वो बंगाली लोग गोविंदो भोग राइस यूज करते हैं ना, उससे भी खीर अच्छा बनता है। बाजार में आसानी से मिल जाएगा आप लोगों को, इंडिया में, यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन मैं नहीं लेके आई। और इसका जो पानी है, चावल का पानी मैं हटा रही हूँ थोड़ा सा। जब अभी मैंने दबा के तोड़ा तो थोड़ा सा पानी निकला है। ये देखिए, छोटा छोटा कर दिया है मैंने। कुछ कुछ बड़े बड़े हैं राइस, और कुछ कुछ छोटे हो गए हैं, तो ऐसा ही चाहिए हमको। ये देखिए, हो चुका है दूध बॉइल। अब हम इसमें ये चावल डाल देते हैं।
नीचे तक हिलाते रहेंगे ताकि दूध लगे ना और चावल नीचे चिपके ना। एक एक दो दो मिनट में स्टिर करते रहेंगे। चावल के छोटे छोटे अब टुकड़े अब उठने लगे हैं, ये देखिए। ये देखिए तो देखिए होने वाला है थोड़ी देर में। तो अभी मैं इसमें इसी टाइम पे ऐड करूंगी कुटा हुआ इलायची और लौंग, कूट लिया था अभी, और थोड़ा सा दो से तीन पिंच के करीब या वो सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। सिनेमन पाउडर आपके ऊपर है, अगर डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, लेकिन मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। नहीं तो आप सिनेमन स्टिक्स भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर और पकाएंगे। आप इसमें शुगर या कंडेंस मिल्क दोनों में से कोई सा भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ये तेजपत्ता डाल देती हूँ और शुगर भी डाल देती हूँ। शुगर आप अपने हिसाब से डालिए, कितना डालना है आपको, जितना किसी को शुगर कम पसंद होता है खीर में, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से डालिए। आई थिंक खीर इज डन। तो चलिए इसको मैं सर्व कर लेती हूँ, एक बार तभी चेक कर लेते हैं पकाएगी नहीं। ये देखिए पक चुका है, ये देखिए। तो मैं अब स्टोव को ऑफ कर रही हूँ और इसको सर्व करके दिखाती हूँ।
तो देखिए खीर हमारा रेडी है। अभी मैं इस पे अपने सारे किशमिश डाल देती हूँ। और बादाम भी काट के डाल देती हूँ। देखिए खीर भी रेडी है। मैंने इसमें सारे बादाम कट करके डाल दिया और साथ में किशमिश भी डाल दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। और भगवान जी को भोग लगाते समय मैं आपको एक वीडियो या फिर इसी में कहीं पे फोटोज डाल दूंगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, रखती हूँ।